हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ मिनी ब्लॉग। दिस इज़ फन फैक्ट अबाउट जर्मनी। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ अबाउट जर्मनी। तो रिसेंटली अभी मेरा बर्थडे था 20th फरवरी को, आज है 20th मार्च एंड मैं छुट्टियों में थी, लाइक मेरी वेकेशन थी। तो वेकेशन से वापस आई तो मेरे को मेरे कलीग ने, लाइक मेरे सारे कलीग्स ने मिलके ये कार्ड दिया। तो ये एक ग्रीटिंग कार्ड है, बर्थडे कार्ड। तो जर्मन्स ना इन सब चीज़ों में काफ़ी बिलीव करते हैं, लाइक जो विशिंग होती है तो एक तो वो मुँह से तो बोल के विश करते हैं, बाकी वो कार्ड्स देते हैं या फिर बुके देते हैं फ्लावर का। तो ऐसी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो ये है मेरा कार्ड एंड इसके अंदर एज अ गिफ्ट मुझे उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे विशेस वगैरह लिखी हुई है। तो काफ़ी मुझे वैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सजेस्टर है उनकी तरफ से, यह मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज ठीक है पैसे आप ना दो या कोई गिफ्ट आप ना दो, बट कार्ड्स हमेशा साथ में रहते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो और अच्छा लगता है काफ़ी। थोड़ा सा अगर आप हैंडमेड भी इसको बनाओ तो और ज़्यादा लाइक यू नो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और ज़्यादा स्पेशल लगता है आपको। तो यही आपको बताना था। एंड जब मैं जर्मनी आई थी फर्स्टली, तो लाइक कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक क्रिसमस हो गया कुछ हो गया, तो सब लोग एक दूसरे को कार्ड देते हैं। तो मैं थोड़ी सी शॉक थी बिकॉज इंडिया में ये सब चीज़ें हैं बट बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। एंड अभी लाइक टाइम के साथ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, तो इन लोगों ने अभी तक इसको बरकरार रखा है, कार्ड का कल्चर। तो ठीक है फिर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय।